हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रिड लाइन का कलर कैसे बदलते हैं। ग्रिड लाइन अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ग्रिड लाइन का कलर बदलने के लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर के रिबन में फाइल टैब में, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और सबसे नीचे हमें ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ये रहा ऑप्शंस, इस पे हमने क्लिक कर दिया तो एक्सेल ऑप्शन का ये देखिए एक विंडो यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको लेफ्ट साइड में एडवांस पे जाना है, एडवांस पे क्लिक कर दीजिए तो राइट साइड में वो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहां से स्क्रॉल करिए और हमको जाना है डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, ठीक है। याद रखिए, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट। और यहाँ नीचे देखिए ग्रिड लाइन कलर आपको यहाँ दिया हुआ है फिलहाल, जो कि ब्लैक दिखा रहा है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और कोई भी ग्रिड लाइन कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ से ओके पे हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो आप ये देखिए ग्रिड लाइन का कलर जो है वो ब्लैक से रेड हो गया, ठीक है।